लगता है कि उन शहीद के परिवार से लेकर के एक एक भारतीय आज गर्व से अपने सर को ऊंचा कर लिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो सेना ने आज कर दिखाया है। और हमें लगता है कि इसी की आवश्यकता थी। अब भारत को इधर नीचा दिखाने के लिए कोई भी आंख नहीं उठा पाएगा, ये हम सबका विश्वास है। हम सबकी ढेर सारी शुभकामना उन सेना के जवानों के प्रति है कि उन लोगों ने अपना साहसिक कदम उठा करके और इस प्रकार के कार्य किए हैं। 130 करोड़ जनता इंतजार कर रही थी कि कब बदले की कार्रवाई हमारी सरकार करती है, हमारी सेना करती है। आज 12 दिन हो गए हैं और जिस तरह से हम 12वां मनाते हैं, उसी तरह से हमारी सेना के बहादुर जवानों ने पीओके में घुस करके जो आक्रमण किया है, हजारों किलो बम बरसाया गया और जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर को नष्ट किया गया है, कई आतंकी और उनके रहनुमा मारे गए हैं। आज सही माने में आज हम दीपावली मनाने के स्थिति में हैं। जवाबी कार्रवाई मिला है जो पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और आतंकी ये हमला है, आतंकी बेस को उड़ाया गया है। इससे देश को आने वाले समय में भी खतरा था, इसलिए देश ने जवाबी कार्रवाई किया और इस कार्रवाई से पूरे देश के लोग काफ़ी उत्सुक भी हैं कि आतंकी बेस को उड़ाया गया। बोलेंगे कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखलाया और यह हम लोग का गौरव की बात है। जो हम लोग पूरे हिंदुस्तान से जो है नक्सल जो जितने जो आतंकी हैं सबको दूर करने का काम किया, इससे बड़ा और खुशी हो सकता है क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा कदम जिसकी ज़रूरत थी देश को, देश की 125 करोड़ जनता की मांग थी।